हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वीवीआईपी इंफ्राटेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जीएमपी के बारे में। हमने इस आईपीओ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने कंपनी के बारे में ब्रीफ में जाना था कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उन सब के बारे में डिटेल में बात की थी। फिर हमने इस कंपनी के फाइनेंस देखे थे, जैसे कि केपीआई फैक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात की थी। और इसके जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे उन सबको कंसिडर करते हुए हमने एक डिसीजन लिया था। तो आज ये वीडियो या तो उस डिसीजन को कंटिन्यू करेगी या फिर चेंज करेगी, जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा, ताकि आप इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर अभी तक किसी ने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन यही है कि सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख लें, जिससे आपको उसके कंपनी के बारे में पता चल जाए, कंपनी से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है वो सारे आपको पता हो सके और आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आगे कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ से रिलेटेड, या फिर कभी कोई नया आईपीओ आता है उसकी रिगार्डिंग कोई वीडियोस लेकर आऊँ, या फिर लास्ट मोमेंट पे किसी भी आईपीओ को लेकर मेरा कोई डिसीजन चेंज होता है उस रिगार्डिंग कोई वीडियोज लेकर आऊँ, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो उस वीडियो का लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आप उसे एंड स्क्रीन पर भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख लें, जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस में, जिसमें हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं और अभी तक कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है। तो जो एनको इन्वेस्टर है उसके लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 18,72,000 के, और जो एप्लीकेशंस आई है सेम नंबर्स ऑफ शेयर्स की ही आई है। मार्केट मेकर के लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो है 3,38,400 के और सेम शेयर्स की ही बिड है। क्यूआईबी के लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 12,48,000 के और जो बिड आई है यानी एप्लीकेशंस आई है वो आई है 12,50,400 की। यानी जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो 1 चल रहा है। एनआईआई कैटेगरी के लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 9,37,200 के और जो बिड आई है यानी कि एप्लीकेशन आई है वो आई 93,97,200 की। यानी जो एनआईआई कैटेगरी है वो 10.03 से ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है और जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किए हैं 21,86,400 के और जो बिड आई है यानी कि एप्लीकेशन आई है अभी तक वो आई 4,36,27,200 की। तो जो रिटेल कैटेगरी है उसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो चल रहा है 19.95 का। तो अगर हम अजम्पशन लगाएं कि जब आईपीओ क्लोज होगा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है, तो जैसे कि मैक्सिमम लोग होते हैं जब आईपीओ क्लोज होता है, जैसे कि आईपीओ कल 25 जुलाई को क्लोज होने वाला है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे 3 से 5 बजे के बीच में अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा अगर किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस 5 चल रहा होता है तो 50 चल जाता है, 50 होता है तो 100 चला जाता है, 100 होता है तो 300 के पार भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि उस समय जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उस समय आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, फाइनेंस कैसे है इस आईपीओ के, इसके साथ साथ उसकी मार्केट कंडीशन कैसी है, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो है 19.95। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है, जो हम इसका जो जीएमपी है जो आगे डिस्कस करने वाले हैं और जो इसके फाइनेंस है जो हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग जो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 300 के आसपास रहने का चांसेस है। तो अगर हम अब जीएमपी की बात करें कि इसका जो अपडेटेड जीएमपी है वो क्या है, 18 जुलाई 2024 को इसका जीएमपी था 47 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 50.54% का। 19 जुलाई 20 जुलाई 21 जुलाई को सेम जीएमपी चल रहा था 47 रुपीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 50.54% का। 22 जुलाई 2024 को इसका जीएमपी 3 रुपये से बढ़ गया जो हो गया 53.76% का। एंड 23 जुलाई 2024 जब कल आईपीओ ये ओपन हुआ उस समय जो इसका जीएमपी चल रहा था वो चल रहा था 75 रुपीज़ का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80.65% का।
एंड 24 जुलाई 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम ही चल रहा है 75 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80.65% का। तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगाए अमाउंट में कि इसका जो प्रॉफिट है अगर ये आईपीओ इसी जीएमपी पर और इसी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइसिंग पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने तक के अमाउंट का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो जैसा कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 111,600 का, तो अगर हम उसमें जीएमपी ऐड कर दें 80.65% तो हमें लगभग 90,000 के आसपास प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है अगर देखा जाए तो। पर जो जीएमपी है वो डे टू डे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो हो सकता है जब तक आईपीओ क्लोज हो इवन लिस्टेड हो इसका जीएमपी इंक्रीज या फिर और भी डिक्रीज हो जाए। तो ये जो प्रॉफिट है अभी फिलहाल जो जीएमपी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जब हमने इस आईपीओ की फाइनेंस या डिटेल वीडियो देखी थी उसमें जो हमने इस कंपनी के फाइनेंस देखे थे, फाइनेंस में जो थे हमेशा जो एसेट्स थी वो क्या हुई थी, एक साल इंक्रीज हुई थी एक साल डिक्रीज हुई थी, यानी कि 2023 में कम 2023 में 2022 के कंपेरिजन में कम हुई थी, फिर 2024 में वापस इंक्रीज हो गई थी। जो रेवेन्यू थे वो लगातार हर साल इंक्रीज रहे थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार हर साल इंक्रीज रहे थे, तो ये दोनों जो पॉइंट थे वो हमारे पॉजिटिव में थे। बाकी जो इसके केपीआई फैक्टर थे जिसमें हमने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इन सबको देखा था, ये सारे क्या थे 15 से ज़्यादा थे, तो ये हमारे लिए क्या थे प्लस पॉइंट चल रहे थे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी जो था इसका एक से कम था, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या था प्लस पॉइंट था। और अभी फिलहाल जो इसका जीएमपी चल रहा है वो कितना चल रहा है 80.65%, जैसा कि एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ जो होते हैं हायर रिस्क वाले आईपीओ माने जाते हैं, तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 0% रिस्क लेना चाहते हैं, तो ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें। जब आप उस आईपीओ का जीएमपी जब क्लोज हो रहा है उस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा हो 100% से ज़्यादा चल रहा हो, साथ साथ उस कंपनी के फाइनेंशियल्स केपीआई फैक्टर सब कैसे हो पॉजिटिव पॉइंट में हो, तो अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो 20 से 30% का रिस्क फैक्टर रहता है। ये 20 से 30% का रिस्क फैक्टर इसलिए होता है जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है उसमें जो डेज का डिफरेंस होता है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है कि इस बीच मार्केट डाउन चला जाए या फिर आईपीओ के रिगार्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसका जो डायरेक्ट इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट है वो इस कंपनी पर इस आईपीओ पर पड़े, जिससे उसका जीएमपी अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है तो उस जीएमपी को गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर जो आईपीओ है उसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर मार्केट ही डाउन चल रहा होता है तो। पर अगर मान लीजिए जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है उस समय उस आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है, मार्केट कंडीशन अच्छी है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स के पे फैक्टर सब कुछ पॉजिटिव में है, तो वो आईपीओ आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 80.65% यानी 60 से 100% के बीच में है, और साथ साथ इसका जो रिस्क फैक्टर है वो कितना है 20 से 30% का। तो हर कोई ये रिस्क फैक्टर नहीं ले सकता है, और हर कोई अगर पर एक बात है अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रही हूँ, हाँ इसमें 20 से 30% का रिस्क है पर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। पर आप तभी इस आईपीओ में अप्लाई करना जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट जब आईपीओ लिस्टेड हुआ उस दिन मार्केट डाउन चला गया तो इसका आईपीओ का जीएमपी भी गिरने का चांसेस हो सकते हैं। तो आप उसी बेसिस पे इस आईपीओ में अप्लाई करें तो मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। पर हर कोई आईपीओ का रिस्क नहीं, हर कोई रिस्क नहीं उठा सकता है, तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दिया है, तो आप उसी बेसिस पे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। पर जैसे कि अभी जो मैंने डिसीजन लिया है मेरे लिए अप्लाई करने का, अभी आप लोगों का डिसीजन जो है वो आपको ही लेना है, मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ, मैंने जैसे अप्लाई करने का डिसीजन लिया है। पर जैसा कि कल तक आईपीओ क्लोज होने वाला है 25 जुलाई तक, और अगर जैसे कल तक इसका जीएमपी 100% से भी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में जो मैंने आज डिसीजन लिया है अप्लाई करने का, या फिर अगर मान लीजिए इसका जीएमपी और कम हो जाए तो अगर मुझे ऐसे में मेरा जो डिसीजन है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको उसके अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। पर तभी लेकर आऊँगी जो मैं डिसीजन लेती हूँ उसको मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी फिलहाल मैंने जो उसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो मैंने आपको मेरा फाइनल डिसीजन बता दिया है, आपका फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।